दरवाजे बंद करके जाते आराम से। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ और मस्त रहे होंगे। पिछला जो एग्ज़ाम दिया था उससे काफ़ी संतुष्टि मिली होगी, और जिसका एग्ज़ाम थोड़ा ठीक नहीं रहा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि आगे वैकेंसी आने वाली है या नहीं है, और ये दम लगा के बैठा होगा कि इसके बाद जो एग्ज़ाम आने वाला है, जो वैकेंसी आने वाली है, सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड, उसको तो मैं तोड़ के रख दूंगा, उसके इतनी ज़बरदस्त तैयारी करूंगा कि सामने वाला सोचेगा कि यार ये छोरा कैसे मास्टर बन गया ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ख्वाबी फुलाव के आधार पर नहीं हो गए, इसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। जो गलतियाँ आप लोगों ने पिछले एग्ज़ाम में सेकंड ग्रेड हो या फर्स्ट ग्रेड हो उसमें की है, वो गलतियाँ आप इस एग्ज़ाम में न दोहराए, इसी के लिए हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं RJ एग्ज़ाम पोर्टल, जो आप लोगों के लिए एक एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल होगा, जिसमें आप लोगों का हिंदी साहित्य, इतिहास, व्याकरण और काव्य शास्त्र का भरपूर कंटेंट मिलेगा, जो बिल्कुल इजी वे में मिलेगा, सरल भाषा के आधार पर आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसी चैनल पे आप लोगों को जो हिंदी साहित्य, इतिहास है उसकी बिल्कुल सरल भाषा के आधार पर रेगुलर क्लासेस मिलेगी मेरे द्वारा। मैं आचार्य प्रमोद आप लोगों का स्वागत करता हूं RJ एग्जाम पोर्टल पे। ठीक है मित्रों, तो आज अपन सेकंड ग्रेड के जो हिंदी एग्ज़ाम होने वाला है, अभी वैकेंसी जब भी आती है, हो सकता है कि उसका टाइम फिक्स नहीं है कि कब आने वाले हैं कब नहीं आएगी, तो उसके लिए हमें आज से ही रेडी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए अपन शुरुआत कर रहे हैं, और आप लोग यदि आज से ही इसमें जुड़ रहे हैं तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, और सफलता तब मिलेगी जब एक बार अपने सिलेबस को पूर्णतः कंठस्थ कर लेंगे, उसको समझ लेंगे। क्योंकि हम लोगों की जो सबसे बड़ी गलती है वो यही होती है कि हम लोग जैसे वैकेंसी आती है, वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई करने के बाद सोचते हैं कि अब हमें तैयारी कर लेनी चाहिए, और उसके लिए दो तीन किताबें खरीद लेते हैं, किताबों में पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुछ समझते हैं कुछ नहीं समझते। परंतु इससे पहले ज़रूरी कि आप लोग एक बार पूरे सिलेबस को समझ लीजिए कि सिलेबस कहता क्या है। जो चीज़ें आप लोग छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं वो ही चीज़ें आप लोगों को अंतिम आप लोगों की जो डिग्री है वहाँ तक चलती रहती है। मान लीजिए एक संधि की बात करें, शब्द शुद्धि की बात करें, वाक्य शुद्धि की बात करें, वाक्य रचना की बात करें, है ना, तो तत्भव तत्सम शब्दों की बात करें, क्रिया की बात करें, तो पूरा व्याकरण जो है आप लोग छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। छठी क्लास से जिस व्याकरण को आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लोगों ने 12th क्लास तक भी पढ़ा है ना, फिर बाकी आप लोगों ने जो भी एग्जाम की तैयारी की है तो आप लोगों ने उसको भी पढ़ा, लेकिन कभी आप लोगों ने उसको अपने आप से जोड़ के नहीं पढ़ा, अपने आसपास के क्षेत्रों से जोड़ के नहीं सोचा कि वास्तविक रूप से जिस व्याकरण को मैं आज तक पढ़ता आ रहा हूँ क्या वो मेरे अंदर समाहित है। बिल्कुल ये सत्य है कि व्याकरण का हर टॉपिक आप लोगों के अंदर समाहित है। आप लोग किसी भी मार्केट में जा रहे हो, कुछ भी खरीद के लेके आ रहे हो, आप लोगों ने दुकानदार से बोला कि भाई 1 किलो चीनी दे दें, 1 किलो सब्जी दे दें, 1 किलो आलू दे दें, 1 किलो प्याज दे दें, 250 ग्राम चीज़ दाल दे दें, 1 लीटर दूध दे दें, तो ये सारी के सारी चीज़ें, मैं 2-3 कदम ही चला था, मेरे आगे आगे लगभग 1 किलोमीटर दूर उसका घर था, है ना, मेरे से 2 कदम दूर मेरे 2 दोस्त चल रहे थे, उसने ब्लैक कपड़े, वो काले कपड़े पहन रखे थे, उसने सफ़ेद वस्त्र धारण कर रखे थे। तो ये सारी के सारी चीज़ें आप लोग, आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत सर्दी है, चाय ठंडी हो गई है ना, दूध गर्म हो गया, दूध उफन गया, दूध फैल गया, पानी बिखर गया, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने सुबह से उठ के और शाम तक बोलनी ही बोलनी है, और आप लोग इन चीज़ों को बोलते हो, इन वाक्यों का दोहराव करते हो, प्रतिदिन करते हो, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक जो अंग्रेजी भाषा से शुरुआत होती है। आप लोगों ने ये भी नहीं सोचा कि हम लोग हिंदी भाषा के कितने शब्दों को उच्चारण करते हैं, कौन कौन सी हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने विदेशी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये सारी के सारी चीज़ें आप लोग दैनिक जीवन में प्रयोग में लेके आ रहे हो, लेकिन कभी आप लोगों ने सोचा नहीं कि इसमें व्याकरण का कौन सा नियम लागू है। क्या आपने कभी सोचा कि 1 किलो जो बैंगन लेके आ रहे हो, 1 किलो जो आलू लेके आ रहे हो, उसमें कौन सा विशेषण है, कभी सोचा क्या? नहीं सोचा, वो 2 कदम दूर ही था, कभी सोचा इसमें कौन सा विशेषण है, कौन सा काल है, जो भी आप वाक्य बोल रहे हो उसमें कौन सा काल है, कौन सी क्रिया है, ये कभी भी नहीं सोचा। लेकिन आज से ये चीज़ अपने अंदर डाल लो, धारण कर लो कि आज के बाद मैं जो भी कुछ बोलना शुरू करूंगा, जो भी कुछ कहूंगा, जो भी क्रिया करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, उसमें व्याकरण को लागू करूंगा, व्याकरण के नियम को लागू करूंगा। आप लोगों की व्याकरण बहुत ही इजी होने वाली है। फिल्मी गाने सुन रहे हो ना, तो फिल्मी गाने सुनते समय भी आप लोग ये ध्यान रखो कि जो गाना सुना उसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद है। अरे जब बचपन की देखी हुई फिल्म आज तक आप लोगों को याद है,
तो कल की पढ़ी हुई चीज आज आपको याद क्यों नहीं है, क्या कारण है इसके पीछे, सारी की सारी चीजों पर अपन बातें करने वाले हैं। जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें भी बातें करेंगे, लेकिन आज अपन बात करें कि हिंदी भाषा का जो सेकंड पेपर आप लोगों का सेकंड ग्रेड में, उसके बारे में बात करेंगे, उसका जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। जो पहला जो खंड आ रहा है आप लोगों का वो है माध्यमिक स्तर का, और माध्यमिक स्तर का जो 10th 12th का जो सिलेबस है उसमें से केवल इससे पहले जो एग्जाम हुआ था उससे पहले का, अर्थात जो 2022 की वैकेंसी गई उससे पहले के जो 2018-19-20 की जो वैकेंसी आई थी या उससे पहले की जो वैकेंसी आई थी उसमें 10th 12th तक का किताबों का भी सिलेबस था, उसका काव्य शास्त्र भी था, ठीक है ना, कहानी कविताएं वगैरह थी। लेकिन इस वैकेंसी में सबको निकाल दिया गया था, तो आपका सिलेबस और भी इजी कर दिया गया था। केवल और केवल आपका 10th से 12th तक का आप लोगों का व्याकरण का जो पोर्शन है वो ही दिया गया है, केवल व्याकरण दिया गया है सेकंड ग्रेड में, और ये व्याकरण आप लोग छठी क्लास से पढ़ते आ रहे, बहुत ही इजी है। आप लोग देखिए माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक स्तर पर आप लोग क्या पढ़ने वाले हो। अब आप सोचने की कोशिश करें कि मैं क्या पढ़ने वाला हूँ, मित्रों थोड़ा सा तसल्लीपूर्वक समझने की कोशिश करना, आपको अवश्य समझ में आ गया। एक एक टॉपिक को समझाने वाला हूँ। देखिए वर्ण विचार या ये कहें कि वर्ण व्यवस्था, इसमें क्या दिया गया है, स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण है ना। वर्ण विचार आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोग स्कूल में जब टीचर बनेंगे तो आप जैसा मैं पढ़ाऊंगा वैसा आप नहीं पढ़ने वाले, न बच्चों को पढ़ाने वाले हो, क्योंकि आप लोग जो बचपन से पढ़ते आए ना कि बेटा खड़ा हो जा रहा बोल, तुझे NR आते, हाँ आते सर, तो बोल आगे बोल, है ना, उनको बोल दिया, उसको बोल दिया बेटा खड़ा हो और बोल, NR बोल के सुना इनको, एक बच्चा NR आम ई मिली हुई ये बोलेगा, पीछे पीछे उसके बच्चे बाकी के स्टूडेंट्स उसके पीछे पीछे बोलते, चाहे गणित का हो, चाहे पहाड़े हो, चाहे गिनती हो, है ना, चाहे बारह खड़ी हो, सब ऐसे ही पढ़िए। या पूरी क्लास में अगर किसी किताब का वाचन किया जाता है वहाँ पे सहस्वर वाचन हो या माध्यमिक वाचन हो, तो वहाँ पे भी बच्चा एक बच्चा खड़ा होता है बाकी के सुनते हैं ना, तो वो कारण नहीं है यहाँ पे। आप लोग जिस तरीके से मैं वर्ण विचार पढ़ाऊंगा उसी तरीके से पढ़ना। देखिए वर्ण विचार एक समझने की चीज़ है, आप लोगों को पता है स्वर क्या होता है, स्वतंत्र गति से जो उच्चरित होने वाली ध्वनि है बिना लाग लपेट के, बिना किसी की सहायता से जो ध्वनि हमारे मुख मंडल से निकल जाए वह ध्वनि क्या कहलाती है, स्वर कहलाती है। ये भाषा की एक इकाई होती है, भाषा की जो सबसे छोटी ध्वनि होती है वो क्या कहलाती है, वो क्या कहलाती है मित्रों, भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो कहलाती है आप लोगों की क्या, वर्ण कहलाती है, जो लिखित रूप में होती है, और मौखिक रूप में जो होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। मित्रों आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा, इसको देखिए, समझने की कोशिश करना मित्रों कि मैं आप लोगों को क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी बात करें अपन, आप लोगों ने इसको समझा ही होगा कि वास्तविक रूप से अपना स्वर तंत्र होता क्या है, क्या ध्वनि होती है। ये देखिए ये काकल्य है, क्या बोलते हैं इसको, काकल्य, क्लियर है, ये काकल्य देसी भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन, कागला बोलते हैं ना, कि कागला, कागला है ना, कागलो। जिस प्रकार एक पुष्प के ऊपर, फूल के ऊपर भौंरा गुंजन करता है ना, भ्रमर अली गुंजन करता है, ठीक वैसे ही हमारे फेफड़ों से जैसे वायु बाहर आती है, तो ये जो कागला, ये जो तंतु लटका हुआ है, ये भी बहुत तेज गति से कंपन करता है और एक ध्वनि उत्पन्न होती है, और उस ध्वनि को हमारी जो जिह्वा है और मुख के जो अन्य स्पर्श भाग है वो उसको अन्य ध्वनियों में परिवर्तित करते हैं, इसीलिए इसको अली जिह्वा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों इसको, अली जिह्वा, क्या बोलते हैं, अली जिह्वा। क्यों बोलते हैं, कि जिह्वा के रूप में जो अली है, जो भ्रमर है, वही ध्वनि का उच्चारण करता है, वही ध्वनि को पैदा करता है। अब ये देखिए इससे अपनी जो जिह्वा है वो जुड़ी होती है, ये जिह्वा जब हमारे नीचे वाले दांत के बराबर समांतर रूप से पड़ी रहती है ना, तो इसका जो मध्य भाग है उस मध्य भाग से एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है और वह ध्वनि कहलाती है स्वर अ। कौन सी अ, इसको हम मध्य स्वर बोलते हैं, क्या बोलते हैं मित्रों, मध्य स्वर बोलते हैं। देखिए जब तक हमारी जिह्वा अ का उच्चारण करेंगे, अ का उच्चारण करते ही हमारी जिह्वा नीचे की तरफ पड़ी हुई है, तो हमारी जिह्वा ने अ ध्वनि को उत्पन्न करके बाहर की तरफ फेंका, लेकिन जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी वो इस काकल्य के माध्यम से उत्पन्न हुई थी। ठीक ऐसे ही अन्य ध्वनि जो उत्पन्न होती है उस ध्वनि को जिह्वा का अग्रभाग कई रूपों में परिवर्तित करता है। यहाँ पे देखिए ई है, ई ए और आई,
ये चार स्वर है, इन चारों स्वरों को हम बोलते हैं अग्र स्वर। क्या बोलते हैं मित्रों? अग्र स्वर बोलते हैं। इसके बाद जैसे जैसे जिह्वा पीछे की तरफ जाएगी, मूर्धा अवस्था में जाएगी, वहाँ पे अन्य स्वर उत्पन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनके बारे में व्यापन चर्चा करेंगे, इसको बोलते हैं आ। और इस मध्य भाग से अंग्रेजी भाषा का आ और ओ के माध्यम से निर्मित किया गया स्वर आओ है। इस चिन्ह को अपन बोलते हैं स्वैनिम चिन्ह। कौन सा बोलते हैं? स्वैनिम चिन्ह बोलते हैं। और इसका प्रयोग होता है जैसे ड़ धन आओ के माध्यम से निर्मित हुआ है डो डॉक्टर। ये अंग्रेजी भाषा के शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में, अर्थात विदेशी शब्द जब हमारी हिंदी भाषा में, या ये कह के अंग्रेजी भाषा के जब शब्द हमारी हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए, तब उन शब्दों को अपन अंग्रेजी में तो लिख नहीं सकते थे, तो हिंदी वर्णमाला में, हिंदी लिपि में उसको परिवर्तित करके उसको शामिल किया गया। और उसमें जो स्वर शामिल था उस स्वर को अपनी हिंदी लिपि के माध्यम से ग्रहण किया गया। ये अंग्रेजी भाषा का स्वर है जो कि आ के बाद ग्रहण किया गया, अर्थात तीसरे नंबर पर इसको ग्रहण किया गया। ये देखिए, जैसे जैसे जिह्वा हमारे तालु भाग को स्पर्श करेगी, उससे नीचे नीचे आती जाएगी, तो हमारे अग्र जिह्वा का जो अग्र भाग है, जिह्वा रंध्र है, उसका जो नुकीला भाग है, उसके माध्यम से कौन कौन से स्वर उत्पन्न होते हैं? ई, ई, ए, आई। क्लियर है? तो जिह्वा का जब ऊपर से लेकर नीचे तक अपने तालु भाग को स्पर्श करेगी तो ये अग्र स्वर उत्पन्न होंगे। और जिह्वा जैसे पीछे की तरफ गड्ढे में जाएगी, मूर्धा अवस्था में आएगी, तब अपने ये पश्च स्वर उत्पन्न होते हैं। इनको पश्च स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? पश्च स्वर बोलते हैं। यदि आप लोगों ने इन चीजों को नहीं सीखा तो आप शब्दशुद्धि का रूप भी नहीं सीख पाएंगे, शब्दशुद्धिकरण भी नहीं कर पाएंगे, वाक्यकरण भी नहीं कर पाएंगे, और संधि विच्छेद भी आप लोग नहीं कर पाएंगे, जब तक आप लोग यही नहीं सीखेंगे कि ये ह्रस्व स्वर कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से, दीर्घ स्वर को निर्माण किस तरीके से हुआ है, तब तक आप लोग संधि भी नहीं कर पाएंगे। ये सारे सारे वर्ण विचार में होते हैं मित्रों। इन सभी का उच्चारण क्षेत्र अलग होता है। ये तालु क्षेत्र होता है, क्लियर है? ये मूर्धा क्षेत्र होता है, ये कंठ क्षेत्र होता है, ये ओष्ठ क्षेत्र होता है, ये दंत क्षेत्र होता है, क्लियर है? तो इन सभी जगह से अपने वर्ण उत्पन्न होते हैं, चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो। स्वरों का सभी का उच्चारण क्षेत्र अलग अलग होता, अलग अलग होता है, वैसे व्यंजनों का उच्चारण क्षेत्र अलग अलग होता है। व्यंजनों को समझने की कोशिश करना। देखिए, उंगली में ही आप लोग इन चीज़ों को समझ जाएंगे, ठीक है? मैं वादा कर रहा हूँ आप लोगों से, एक एक टॉपिक इस तरीके से रटा दूंगा, समझा दूंगा कि आप लोगों को कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ये आरजे एग्जाम पोर्टल आप लोगों के लिए सदैव साथ रहेगा, खड़ा रहेगा। ये आप लोगों के लिए बना, आप लोगों की सफलता के लिए इसका निर्माण किया गया है, ताकि आप लोगों को पूरा सिलेबस प्रदान कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए, यदि पहला वर्ण कौन सा आता है? क वर्ग आता है। क वर्ग में पांच वर्ण है, और इन पांचों वर्गों के, पांचों वर्णों के आधार पर 25 वर्ण होते हैं। 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण बोलते हैं ना, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। क वर्ग एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण जब अपन करेंगे तो हमारा मुख एक बार खुलेगा, एक बार खुलने के बाद ध्वनि बराबर दमादम तरीके से अपने मुख से बार बार निकलती जाएगी, और आपका मुख ऊपर नीचे नहीं होगा, बराबर रूप से आप लोगों की ध्वनि बाहर निकलेगी। एक बार क वर्ण का उच्चारण करके देखना, ठीक है? इसके बाद आता है च वर्ग। चय वर्ग में उच्चारण कैसे होता है? चय वर्ग बराबर रूप से आप लोगों का जो तालु क्षेत्र, उस तालु क्षेत्र से आप लोगों की ध्वनि बार बार टकराएगी और बाहर की ओर निकलेगी, और आपके जिह्वा का जो अग्र भाग है वो आपके तालु को स्पर्श करेगा, नीचे आएगा, स्पर्श करेगा, नीचे आएगा। इस तरीके से चय वर्ग उत्पन्न होता है। फिर आता है आप लोगों का टय वर्ग। जैसे आप लोगों ने काला नाग देखा होगा, है ना, काला सर्प देखा होगा, वो जैसे फण मारता है तो फोकाट मारता है तो पीछे की तरफ आता है, और अपने अंचुले में एक वायु का प्रेशर लेकर शों की आवाज़ ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक ऐसे आप लोगों की जिह्वा पीछे की ओर जाती है, अग्र भाग में ध्वनि का घेराव करके और उसको बाहर एक विस्फोट की तरीके से मारती है, बाहर करती है, तब आप लोगों को टय वर्ग उत्पन्न होता है। ठीक ऐसे ही जैसे ट, ठ, ड, ढ, ण, ठीक है, उसी प्रकार जैसे अपना टय वर्ग आता है, तो टय वर्ग में जैसे सर्प अपने जीभ को बार बार अंदर बाहर करता, ठीक ऐसे दोनों दांतों के मध्य में आपकी जिह्वा नीचे जाएगी, फिर पीछे आएगी, फिर आगे जाएगी, फिर पीछे आएगी, तो यहाँ पर आप लोगों को टय वर्ग उत्पन्न होता है। ठ, ड, ध, न, ठीक है। और पैवर क्या होता है कि दोनों ओष्ठ आपके बराबर बंद होंगे, बंद होने के बाद वायु का वेग लगेगा और झटके के साथ आप लोगों के ओष्ठ खुलेंगे, ध्वनि बाहर की ओर निकलेगी, और उस स्वर को बोलते हैं पैवर। प, फ, ब, भ, तो ये सारे के सारे चीजें आप लोग इसमें पढ़ने वाले हो, वर्ण विचार के अंदर पढ़ने वाले हो, ठीक है मित्रों। तो इन चीजों के बारे में यदि आप लोगों ने बचपन में इनको तरीके से पढ़ा है ना, तो आप लोग अवश्य ही
आप लोगों के सिलेबस को समझ पाएंगे। मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि आप लोग इसको तरीके से समझ पाए। तो अपना जो पहला टॉपिक है वो वर्ण विचार है। वर्ण विचार में स्वर और व्यंजनों का एक नियमित रूप से अध्ययन करेंगे, एक एक वर्णों का अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा है शब्द वर्गीकरण स्रोत के आधार पर। देखिए स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, है ना। तो इस आधार पर आप लोगों को जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया, मूल रूप से अपन पढ़ते हैं तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्द, है ना। तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का अगर अपन पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ने का एक तरीका होता है मित्रों। कैसे पढ़ेंगे वो देखिए, किस तरीके से उसको पढ़ने वाले हैं वो समझने की कोशिश करना। मान लीजिए ये आप लोगों का तत् है। क्या है तत्? तत् का अर्थ होता है बेटा वह। क्या होता है वह? प्लस सम। सम का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। और वह जो आया है, वह आया है संस्कृत के लिए। किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए। अर्थात वे सब जो संस्कृत के समान है वो क्या कहलाए? तत्सम। क्या कहलाए वो? तत्सम कहलाए। इसके बाद देखिए तद धन भव। क्या है? तद धन भव। तद का अर्थ भी क्या होता है? वह। वह किसके लिए आया है? संस्कृत के लिए आया। किसके लिए आया बेटा? संस्कृत के लिए आया। और भव का अर्थ होता है पैदा, पैदा हुए। ठीक है भाई, जो संस्कृत से पैदा हुए हैं वो क्या कहलाए? तद्भव। क्या कहलाए भाई? तद्भव कहलाए ना। तो ये तत्सम है, ये तद्भव है। रूप देखिए, समझने की कोशिश करना। ये है अग्नि। क्या है मित्रों? अग्नि। इससे रूप परिवर्तन हुआ। अगर आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हो तो हिंदी साहित्य में कबीर की वाणी, मीरा की वाणी, देव की वाणी, भूषण की वाणी पढ़ोगे ना, तो इन सभी के काव्य में आप लोगों को एक शब्द मिलेगा, अग्नि मिलेगा या फिर अगन मिलेगा। क्या मिलेगा? अग्नि या अगन मिलेगा। ये दो शब्द मिलने वाले इनके साहित्य में, संत साहित्यों में ये आप लोगों को मिलने वाले। ये दोनों के दोनों अर्ध तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अर्ध तत्सम। न तो ये पूर्ण तत्सम है, न ही ये तद्भव। फिर इसके आगे निकल के आया है आग, ये कहलाया तद्भव। और आग से निकल के आया है आंच, ये कहलाया है देशज शब्द या देशी शब्द या आंचलिक शब्द, आंचल से निकला हुआ आंच शब्द। तो यहाँ पे देखिए अग्नि से परिवर्तित होता होता हमारा शब्द कहाँ पे परिवर्तित हो गया। ये शब्द जो अग्नि है ये तत्सम है, और जो आग है ये तद्भव है। अग्नो अगन है ये अर्ध तत्सम है, और आंच जो है ये आंचलिक शब्द है, ठीक है ना। और दूसरे नंबर पे होता है विदेशी शब्द। कौन सा है? तीसरे नंबर पे विदेशी शब्द। और चौथे नंबर पे आते हैं देशज शब्द। कौन से आते हैं मित्रों? देशज शब्द। विदेशी भाषाओं से लिए गए। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक आप लोग अंग्रेजी का प्रयोग करते हो। शर्ट्स है, ये पैंट्स है, ये पेन है, ये बोर्ड है ना, लाइट है, फैन है, कैमरा है, है ना। ये क्या है? बॉडी होगी। ये रूम हो गया, क्लासरूम हो गया, स्टूडियो हो गया, ठीक है ना। मोबाइल हो गया, चिप्स हो गया, कार्ड हो गया, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज हो गया, फेसबुक हो गया, एसएमएस हो गया, हर चीज आप लोग मिल्क तक बोलते हो, बुक भी बोलते हो। और एक और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने अंग्रेजी भाषा में भी उसको बहुवचन करके हिंदी के वर्णों को ठोक दिया, उनके रूप को ठोक दिया, उसके बहुवचन के रूप को ठोक दिया, प्रत्ययों को उसके अंदर जोड़ दिया। जैसे बुक को बहुवचन में बुक्स बोलते हैं ना, हिंदी में बुक को बुको बोल दिया ना। क्या बोलते हैं? बुको। पुष्प हिंदी भाषा का उसमें अंग्रेजी जोड़ दिया है ना, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा बोलते हैं, पुष्प को पुष्प है, फूल को फूल्स बोल देते हैं ना। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपनी हिंदी भाषा को खचरा कर दिया है, बेकार कर दिया है। संपूर्ण हिंदी भाषा को तो अपन सीख ही नहीं पाए, हिंदी भाषा के संपूर्ण शब्दों को तो अपन सीख नहीं पाए, बोल ही नहीं पा रहे। हिंदी भाषा के तो केवल क्रियात्मक शब्दों को सीख पाए हैं, उन्हीं का ही उच्चारण करते हैं, बाकी तो अन्य चीज़ों का, अन्य भाषाओं के शब्दों का, आलू गोभी भिंडी हो गया, ये अन्य समोसा कचौरी, ये अन्य भाषाओं का, वो इडली सांभर हो गया, ये अन्य भाषाओं का, चाय चीनी हो गया, ये अन्य भाषाओं का, बाकी का अंग्रेजी भाषाओं का शब्द बोल रहे हैं। जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, ये अंग्रेजी भाषा के नहीं है, ये अपनी हिंदी भाषा के क्रियात्मक शब्द है, इनका प्रयोग करते हैं। बाकी के शब्दों में अपन विदेशी शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो तो विदेशी शब्द है। हमारी हिंदी भाषा में चाइना हो गया, जापानी हो गया, फ्रेंच हो गया, जर्मनी हो गया, अंग्रेजी हो गया, उर्दू, फारबी, फारसी, इन भाषाओं के, दक्षिण भारतीय भाषाओं के शब्द शामिल है। और देशज शब्द, ये देशज वो शब्द है जो हमारे हिंदी भाषा में स्वतः ही मनुष्यों के द्वारा अपनी व्यवस्था के अनुसार गढ़ लिए गए हैं, निर्माण कर लिए गए हैं,
वो देशज शब्द है, ठीक है। विदेशी जो शब्द है, ये क्यों शामिल हुए, कैसे हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। चार कारण थे जिनकी वजह से आज विदेशी शब्द हमारी हिंदी भाषा में शामिल हुए हैं। उन चार कारणों को मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी अपन समझते हैं आगे का टॉपिक। दूसरा है शब्द वर्गीकरण, व्याकरण आधारित विकारी और अविकारी शब्द। आप लोगों ने संज्ञा सरना विशेषण पढ़े हैं, पढ़े ना निपात पढ़े हैं, और भाई क्रिया विशेषण पढ़ा है। ये सारे के सारे विकारी और अविकारी शब्दों में शामिल होते हैं, जो बहुत इजी टॉपिक है। इसको भी बहुत तरीके से समझने वाले हैं। जहाँ तक आप लोगों की नज़रें जाती, जो भी कुछ आप लोगों को दिखाई देता है, जिसको भी आप स्पर्श करें, वो सारे की सारी संज्ञाएँ हैं। क्या है मित्रों? संज्ञा है। और इसके प्ररूप में जिनको अपन उच्चारण करते हैं, संज्ञा के स्थान पर जिनका प्रयोग करते हैं, वो सारे के सारे सर्वनाम हैं। और इनकी विशेषताओं को जिन शब्दों से जानते हैं, वो सारे के सारे विशेषण हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें अपन बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। व्याकरणिक कोटियाँ पढ़ेंगे, लिंग वचन कारक काल और वाचे, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। लिंग के जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिंग का पता लगा दे या उनका भेद बता दे, वो लिंग कहलाते हैं। वचन जो एक से अधिक होने का बोध कहलाते हैं, वचन कहलाते हैं। कारक, कारक चिन्ह का आप लोग जानते हो, कर्ता से लेके और समुद्र कारक तक का, जिनके माध्यम से हम शब्द की कोटि को पहचानते हो, कारक चिन्ह होते हैं। काल आप जानते हो, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वाच्य के बारे में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन वाच्य बहुत ईजी है। यदि आप लोगों ने क्रिया को और कारक को बहुत अच्छी तरीके से समझा है, तो वाच्य भी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे वाच्य एक तो कर्तृवाच्य होता है, कर्मवाच्य होता है, एक भाववाच्य हो ना, कर्ता, कर्म कर्म होता है, भाव उसकी भावनात्मक स्थिति के बारे में जो बता लगाए, वो भाववाच्य होता है। इसके बारे में देखिए, शब्द रचना, शब्द रचना में संधि हो गया, समास हो गया, उपसर्ग, प्रत्यय, ये तो छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, उनको समझते आ रहे हो। संधि भी एक चुटकी भर वाली बात है कि चुटकियों में समझने वाली चीज है, लेकिन इसको हमारे हिंदी शब्दकोश तो बहुत बड़ा है, कौन से शब्द को कहाँ से उठा के पूछ लिया जाए तो कोई आता पता ही नहीं है, है ना। कई बार अपने माइंड से फिसल भी जाता है, हम उसका भी जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी आप लोग संधि करने का एक तरीका तो समझ सकते हैं, एक पहचान तो समझ सकते हैं। देखिए स्वरों की पहचान आप लोगों ने बचपन से सुनी है कि आ ई ऊ की मात्रा दिखाई दे तो दीर्घ संधि, एक मात्रा दिखाई दे तो गुण संधि, दो मात्रा का शब्द दिखाई दे तो वृद्धि संधि, यहाँ तक तो पढ़ा है आप लोगों ने तीन, लेकिन आगे की कोटि का संबंध आप लोगों ने नहीं समझा। देखिए यदि कोई शब्द हो, तीन वर्णों का, चार वर्णों का, दो वर्णों का, कोई भी, यदि पहला वर्ण उसका आधा है और उसका दूसरा वर्ण य और व के बारखंड में से कोई भी वर्ण हो, तो वहां पे 99% यण संधि होती। यदि शब्द का दूसरा वर्ण आधा है, उसके तुरंत बाद य व के बारखंड में से कोई वर्ण हो, तो वहां पे भी यण संधि होती है। और तीन वर्णों का शब्द हो, तीन वर्णों के शब्द में तीसरा वर्ण य और व की ध्वनि में से आता है, तो वहां पे भी आपकी आयादि संधि होती है, यण संधि नहीं होती, ठीक है। संधि समास के बारे में आप लोगों को पता है, जो उपसर्गों से निर्मित होता है, अव्यय शब्दों से निर्मित होता है, वो अव्यय भाव समास होता है। कारक चिन्हों से निर्मित होने वाला आप लोगों को, कारक चिन्हों से निर्मित होने वाला आप लोगों का तत्पुरुष समास होता है, होता है कि नहीं होता। और संख्यात्मक शब्दों से बनने वाला समास आपका द्विगु समास होता है, दो गायों का समूह, द्विगु का मतलब दो गायों का समूह, ठीक है। और जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों आपस में प्रधानता लिए हुए होते हैं, वो द्वंद्व समास होता, माता पिता होगा, चाचा चाची हो गया कि नहीं, ठीक है, पाप पुण्य हो गया। तो इसके बाद क्या आता है, बहुव्रीहि समास आता है। बहुव्रीहि समास में आप लोगों को पता है क्या होता है, कर्मधारय जो कर्म को धारण किए हुए होता है, कर्मधारय समास होता है ना, और जैसे नील कमल हो गया, ठीक है। और बहुव्रीहि समास में आप लोगों के एक शब्द का दूसरा अर्थ लिया जाता है, अर्थात ना पहला पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता, तीसरा ही अर्थ लिया जाता है। वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है, उसमें अक्सर पर्यायवाचियों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, शब्द ज्ञान है। शब्द ज्ञान में क्या है मित्रों, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, समश्रुत शब्द है। इनको समझने का भी एक तरीका होता है, इनको याद करने का एक तरीका होता है मित्रों। पर्यायवाची क्या है, कुछ नहीं है, एक बार समझ के देखो। देखिए कैसा है, किस तरीके से शब्दों का निर्माण हुआ है, किस तरीके से शब्दों को हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया गया, संस्कृत भाषा में शामिल किया गया, किन विशेषताओं के आधार पर हम लोगों ने शब्दों का निर्माण किया, वो सारी की सारी बातें अपन करने वाले हैं। परंतु एक बार समझ लीजिए, पर्यायवाची होता क्या, आप लोगों ने शिव सुना है, शिव भगवान शिव का नाम है, अब उससे पूछा जाए कि इसका पर्यायवाची बताइए, आप लोगों ने सरल भाषा में सुना होगा, समझा होगा, उनको याद भी किया होगा, ठीक है। भोला है जो नाथ, वो भोलेनाथ हो गया, गौरीपति गौरी का है जो पति अर्थात कैलाशपति, कैलाश का है जो पति अर्थात क्या नाम होता है, चंद्रचूड़, चूड़ पर है चंद्र जिसके अर्थात चंद्र, मोली मोली पर है चंद्र जिसके, चंद्र है जिसके
अर्थात पशुपति पशु का है जो पति अर्थात आशुतोष, शीघ्र तुष्ट हो जाता है जो अर्थात भोलेनाथ शिव भगवान शिव। कमल देखिए, कमल एक रूढ़ शब्द हो गया। जल में जन्म लेने वाला अर्थात पंकज, पंक में जन्म लेने वाला अर्थात शतदल, सौ दलों का है जो अर्थात सहस्रदल, हजार दलों का है जो अर्थात नीरज, नीर में जन्म लेने वाला है जो अर्थात कमल। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं है किसी कोई भी अंग जिसका वो है अनंग, नहीं है कोई भी जिसके अतंतु वो है अतंतु। ठीक है, काम का है जो देव वो है कामदेव, पुष्प धनु पुष्प रूपी धनुष है जिसका वो पुष्प धनुआ अर्थात कामदेव। ये पर्यायवाची आप लोग तरीके से याद करो, उनके विग्रह के आधार पर याद करोगे तो आप लोग पर्यायवाची भी बहुत तरीके से याद कर लोगे। विलोम अर्थ में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो कि प्रतिरूप में होता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं करूं कि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि दीर्घ का विलोम क्या होता है, तो दीर्घ का विलोम क्या होता है रस्य होता है, लघु का क्या होता है ना छोटा का क्या होता है, लघु का गुरु होता है, छोटा का बड़ा होता है, अल्प का अधिक होता है। ये चार पांच शब्द जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन शब्दों को ध्यान से समझेंगे पढ़ेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद है क्या है यहाँ पे अनेकार्थक शब्द और समसूत्र। अनेकार्थक शब्द, एक शब्द से अनेक अर्थ निकलने वाला। आप लोगों ने वो सुना होगा सारंग ले सारंग चले सारंग पूग्यो आए, सारंग ले सारंग धरो सारंग सारंग माए, कबीरा सारंग सारंग माए। एक ही सारंग के कितने अर्थ निकलते हैं ना, एक बादल निकल जाता है, एक नायिका निकल जाता है, एक घड़ा निकल जाता है, एक वस्त्र निकल जाता है, एक तालाब निकल जाता है कि नहीं है कि नहीं। ये सारे के सारे अनेकार्थक शब्दों में, जब एक काव्य में आप काव्य रचना को ठीक से पढ़ेंगे ना, उसके साहित्यिक शब्दों को ठीक से पढ़ेंगे, तो अनेकार्थक शब्द अपने आप समझ में आ जाएंगे। गोद है, अंक भी बोलते हैं गोद को, अंक एक संख्या को भी बोलते हैं ना, तो ठीक इसी प्रकार से अपन इनको पढ़ने वाले हैं, बहुत इजी होने वाला है। भिन्नार्थक शब्द है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है ना, तो इन सभी को हम तरीके से पढ़ने वाले मित्रों। क्लियर है, इसके बाद देखिए वाक्य रचना है, वाक्य का स्वरूप है, पदक्रम है, अंग है, भेद है, उपभेद है। ठीक है, तो वाक्य है, वाक्य की रचना, आप वाक्य के रूप जानते हैं, वाक्य का निर्माण जानते हैं, वाक्य का निर्माण क्या होता है, वाक्य किसे कहते हैं, जिसके माध्यम से वह शब्दों का समूह जिसके माध्यम से किसी बात को एक निश्चित रूप दे दिया गया वो वाक्य कहलाता है। वाक्य के एक सरल वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होता है और एक संयुक्त वाक्य होता है। ये तो बहुत ईजी बातें हैं, अपन इसको तरीके से समझेंगे, यदि आप पढ़ेंगे रेगुलर हम लोगों से जुड़े रहेंगे तो ये आरजे एग्जाम पोर्टल आप लोगों के लिए सदैव तत्पर रहेगा आप लोगों की सफलता के लिए। क्लियर है, आप लोग जुड़े रहिए, बस अपने आप को रेडी रखिए, तैयार रखिए, मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन प्रस्तुत रहूंगा, आप लोगों के पूरे सिलेबस को आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत रहूंगा, है ना, तो थोड़ा तसल्लीपूर्वक इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर मित्रों, इसके बाद शब्द शुद्धिकरण, शब्द जानते हो, वर्ण विचार यदि आप लोगों ने ठीक से समझा है तो शब्द शुद्धिकरण भी ठीक से आएगा, ये गारंटी है। वाक्य शुद्धि भी तभी आएगी जब आप लोगों ने शब्द शुद्धिकरण ठीक से समझा है और व्याकरण की कोटियां ठीक से समझी है ना, लिंग वचन काल क्रिया कारक को अगर तरीके से समझा है तो वाक्य शुद्धिकरण में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसके बाद विराम चिन्हों को, यदि आप लोगों ने वाक्य शुद्धिकरण कर लिया तो विराम चिन्हों की तो बात है ही नहीं, क्योंकि विराम चिन्हों के बिना तो वाक्य का निर्माण होता ही नहीं है। क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद देखिए मुहावरे और लोकोक्ति, मुहावरे और लोकोक्ति क्या होता है, तीन, आप लोगों ने सीधी सी पहचान तो ये पड़ी होगी, तीन दो या तीन वर्णों का एक ऐसा समूह जिसके अंत में ना लगता वो मुहावरे कहलाते हैं, और इनसे अधिक शब्दों का ऐसे ही लोकोक्ति ऐसी कहावतें जो जन साधारण की जुबान में सदैव चली आ रही वो लोकोक्तियाँ कहावतें कहलाती है। ठीक है ना, तो लोकोक्ति कहावतें या मुहावरे ये अपन पढ़ने वाले हैं। अपरित गद्यांश पद्यांश, ये जो अपरित गद्यांश और पद्यांश है इनमें भी आप लोगों के साथ क्या होने वाला है मित्रों, इससे संबंधित आप लोगों को चार या पांच प्रश्न आएंगे, एक गद्यांश और एक पद्यांश, बहुत ही इजी होने वाला है। बस आप लोगों को जो भी गद्यांश और पद्यांश आए उसको तरीके से समझना है और उसमें जो छिपा हुआ रहस्य, उसका जो अर्थ छिपा हुआ है, उसका मूल भाव जो छिपा हुआ है, उसको यदि आप लोगों ने समझ लिया तो इसके आंसर भी आप दे पाएंगे। और एक या दो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं
कि उस गद्यांश पद्यांश में जो शब्द होते हैं उससे संधि समास पर्यायवाची कुछ भी पूछा जा सकता है, व्याकरण के आधार पर भी पूछा जा सकता है। क्लियर है मित्रों? इसके बाद अपना आता है ये स्नातक लेवल का। ये जो स्नातक लेवल है इसमें आप लोगों के क्या क्या शब्द आने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए स्नातक लेवल पे क्या है, पहला आता है शब्द शक्तियों के भेद व उदाहरण। शब्द शक्ति आप लोगों ने पढ़ा है, कौन कौन सी शब्द शक्ति होती है आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा, बचपन से याद होगा, वह तो निरा गदा है, वह तो निरी गाय है, मेरा घर गंगा पे है, लाल टोपी जा रही है, वह तो शेर है, वह तो गधा है कि नहीं। ये शब्द शक्तियों के माध्यम से ही होता है। लक्षणा शब्द शक्ति आ रही है इनमें, व्यंजना शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति है ना, ये सारे के सारे शब्द शक्तियों का आप लोगों ने पढ़ा है। तो हिंदी सेकंड ग्रेड की अगर बात करें या फर्स्ट ग्रेड की बात करें तो इनमें थोड़ा सा साहित्य लिटरेटिव शब्दों का प्रयोग करके आप लोगों से पूछा जाता है। केवल अभिधा को छोड़ दीजिए, अभिधा में भी अगर पूछा जाएगा तो आप लोगों से प्रसाद गुणों में निर्मित होने वाली कुछ रचनाओं को आप लोगों से पूछेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति में भी कुछ रचनाओं के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर सीधे सीधे वाक्यों का प्रयोग करके भी आप लोगों से पूछा जाएगा। कौन कौन से एग्जाम्पल होगा, किस तरीके से आप लोगों के प्रश्न बनेंगे, हर प्रश्न में चार ही ऑप्शन क्यों बनते, चार चार पांचों ऑप्शन क्यों नहीं बनता, इस बारे में भी अपन बात करेंगे, है ना। तो किस ऑप्शन से किस तरीके से प्रश्न उठने वाला है, आने वाले एग्जाम में किस तरीके से पिछला जो एग्जाम गया उसमें से कौन कौन से क्वेश्चनों के ऑप्शन आगे आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, उन सारी चीज़ों पे अपन बात करने वाले हैं। गारंटी तो नहीं ले सकता, परंतु इतनी गारंटी ले सकता हूँ कि जो मैं पढ़ाऊँगा उससे आपको संतुष्टि होगी, सिलेक्शन उससे अवश्य मिलेगा। बस जैसा पढ़ाऊँ उस तरीके से उसको आप याद करते रहना, ठीक है मित्रों। तो यहाँ पे देखिए सब शक्तियों के भेद में उदाहरण हो गया, काव्य की रीतियां, काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य की रीति आप लोगों ने पढ़ी है, काव्य गुण आप लोगों ने पढ़े, काव्य दोष श्रुति कटुत्व ग्रामत्व अप्रतित्व क्लिष्टत्व अक्रमत्व, ये सारे सारे काव्य में दोष है। यदि आप लोगों ने छंद अलंकार और रस को ठीक से पढ़ लिया, समझा है ना, छंद अलंकार और रस को ठीक से समझा है तो आप लोग काव्य दोष बहुत ही इजी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि काव्य दोष बाद में रचनाओं, ऐसा नहीं होता कि कवि ने कोई रचना की वो ये सोच के वो सोचता है कि मैं इस छंद में रचना करने वाला हूँ, मैं इस अलंकार में रचना करने वाला हूँ, मैं इस दोष के साथ रचना करने वाला हूँ, या मेरे काव्य रचना में ये दोष आ जाएगा ऐसी रचना करो, ऐसा कुछ नहीं। वो अपनी भावनाओं को उकेरता है, शब्दों में पिरोता है, ठीक है, उसको लयबद्ध करता है, उसके बाद जो कवि लोग जो पाठक लोग उस जब रचनाओं को पढ़ते हैं ना तब पता चलता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा छंद। हाँ, ये बात कही जाती है कि एक कवि का कोई ना कोई छंद प्रिय होता है और छंद में वो रचनाएं कर देते हैं। इस संसार में या भारत में हिंदी भाषा की बात करें तो सबसे ज़्यादा रचना जो हुई है वो दोहा छंद में ही हुई है। क्लियर है? तो यहाँ पे छंदों की बात करें तो छंदों में तो बात मानी जा सकती है कि छंदों को सोच समझ कर लिखा जा सकता है, लेकिन अलंकार का प्रयोग हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो बाद की बातें होती है, ये सारी चीजें अपन एक काव्य के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद है अलंकार। अलंकार की बात करें तो श्लेष अलंकार हो गए, यमक अलंकार हो गए, उपमा अलंकार हो गए, रूपक अलंकार हो गए, उत्पक उत्प्रेक्ष हो गए, विभावना हो गए, असंगति संदेह और भ्रांतिमान, ये सारे के सारे वो अलंकार है जो आप लोगों ने 12th में 11th में 10th क्लास में पढ़े हैं, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो ही चीजें यहाँ पे आप लोगों ने तैयार करनी है। पहले की चीजें जैसे बचपन में देखी हुई फिल्म याद है ना, वो की वो चीजें याद हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ आप लोग फिल्मी गाने, जो पुराने गाने, आज के नए गानों की बात नहीं कर रहा, पुराने गानों की बात कर रहा हूँ, अगर पुराने गाने भी आप लोगों ने तरीके से सुने हैं ना तो आज भी याद है, आज भी उनको दोहराते, क्यों दोहराते हो। कुछ कविताएं हैं, वह तो खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी, तो है कि नहीं, छठी क्लास में पढ़ी थी, आज तक याद है। ठीक, किसी प्रकार यदि इन चीज़ों को पढ़ाए ना तो आपको याद रहेगा, और मेरी गारंटी मैं इसी तरीके से याद कराने वाला हूँ। कोई भी गाना सुना होगा, कुछ भी सुना होगा आप लोगों ने, वो किशोरदा का एक गाना सुना होगा, जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करे जीने के लिए, है कि नहीं, ये गाना सुना है, या आप लोगों ने दीवाने फिल्म का, दिलवाले फिल्म का तो सुना होगा, ये चेहरा है ना, ये आंखें, ये सुना है ना। तो ये जो गाना है इसमें कौन सा अलंकार है क्या नहीं है, सारी की सारी चीज़ें, लाल चढ़ी मैदान खड़ी, अरे पुराने पुराने बहुत सारे गाने हैं जिसके माध्यम से आप अलंकार को तरीके से सीख सकते हो।
अगर नहीं सीखे तो काव्य के माध्यम से मैं सिखाऊंगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आप लोगों ने अभी इससे पहले वो सारंग वाला पढ़ा था ना, सारंग वाला पढ़ा था, तो किस तरीके से समझा उसको, कैसे पढ़ा? ये यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, इसमें बहुत सारे यमक अलंकार थे, इतना प्यारा अलंकार है कि इसके सारे पद इस तरीके से समझोगे कि कैसे हम लोगों ने किसी काव्य का पाठ किया है, पाठ किया तो किस लय में उसको गाया है, कहाँ पे ध्वनि में उतार हुआ, कहाँ पे चढ़ा हुआ, कहाँ पे ठहरा हुआ, यति गति कहाँ पे आई है, सारी की सारी चीज़ें आप जब समझोगे ना छंद के माध्यम से, रसों के माध्यम, तो अलंकार भी आप लोगों का बहुत ईजी। अलंकार आपने समझ लिया तो रस की तो कोई बात ही नहीं है, रस में तो आप उलझने वाले हो ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग ये सारे अलंकार एक तरीके से समझने वाले हैं। आप लोगों ने एक सुना होगा, जब राधा जी नाराज हो जाते तो कृष्ण उसको मनाने आते कि राधा मान जा, राधा नहीं माने, हट कर लेते ना, त्रिया हट है ना, वो एक बाल हट होते, एक राज हट होते, एक त्रिया हट होती है, तो उसी त्रिया हट में राधा जी गुस्से में बैठ जाती है, ठीक है। जब भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते उसको कि तो परवारू उर्वशी सुन राधे के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हुई उर्वशी समान। तो पर वारु उर्वशी, भगवान इंद्र के दरबार में नृत्य करने वाली अप्सरा का नाम उर्वशी, के तेरे ऊपर तो उस उर्वशी को मार दूं, वो वार दूं, न्योछावर कर दूं, तू मोहन के उर्वशी, तू तो मेरे हृदय में बसने वाली है, और हुई उर्वशी समान, जो जंगली वैजंती फूलों की जो माला उसके हृदय से लगी रहती ना, उस माला के समान तू हमेशा मेरे हृदय से लगी रहती है, राधा मान जाओ, और राधा मान जाती है भाई। ये मनाने का तरीका होता है। आजकल तो अमेजोन से है ना, कोई भी गिफ्ट ऑर्डर कर दे और एड्रेस दे दे कि जा भाई पहुँचा दे वहाँ पे, वहाँ पे पहुँच गया तो वहाँ पे आप खुश होगी, ठीक है ना। वो सिस्टम उधर तो था नहीं, या तो बांसुरी बजाएगा या फिर कुछ की सुंदरता में कुछ दो शब्द कहेगा। तो ये बातें सारी की सारी किस में आती है, अलंकार में आती है मेरे दोस्तों। तो इनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना है ना, भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, असंगति अलंकार हो गया, विभावना हो गया। आप लोग एक तो पढ़ा होगा बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिनु कर्म करे कर विधि नाना, ना बिनु कर्म करे कर्म विधि नाना। तो ये सारे के सारे विभावना अलंकार में आ जाते हैं। अरे है बालक उस पार की हुई अंजलि समान, राखी से न ढली सो मानव हो समान। तो इस तरह के काव्य जो प्रारंभिक भूषण काल के जो रचनाएं होती है उसमें थोड़ा सा क्लिष्टत्व प्राप्त होता, तो वो शब्द भी आप लोगों की भाषा में शामिल होने वाले, आपके पेपर में शामिल होने वाले, कौन कौन से कवियों की कौन कौन सी रचनाएं आप लोगों की शामिल होने वाली, इस सारे की सारी चीज़ें अपन सीखने वाले, समझने वाले। मानवीकरण के बारे में पता ही है ना। तो मानवीकरण तो अलंकार तो क्या होता है, जहाँ पे प्रकृति में जहाँ पे मानवीय क्रियाओं का आरोप लगा दिया जाता है वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। छंदों की बात करते हैं, दुर्क विलंबित है, हरि गीति का कविता है, सवैया है, दोहा है, सोटा है, चौपाई है, ये सारी सारी वही चीज़ है, जो वही छंद है जो आप लोगों ने 11वीं 12वीं में पढ़े हैं। इन सभी के बारे में रस है, रस का स्वरूप क्या है, रसावयव क्या है, और रस भेद कितने होते हैं, ये भी आप लोगों ने पढ़ा। श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रस से लास्ट तक वात्सल्य रस तक के जो रस है वो 11 रसों का अपन यहाँ पर निचोड़ करेंगे, और मूल जो 9 रस है उसके बारे में अपन बात करेंगे। श्रृंगार रस के कौन कौन से रूप है, कौन कौन से भेद है, वो सारे के सारे अपन बात करने वाले हैं। किस कवि ने किस रस का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है, रासों काव्य में कौन से रसों का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार काव्य में कौन से रस का प्रयोग हुआ है, कौन से काव्य गुणों का प्रयोग हुआ है, वो सारे के सारे ओज गुण का हुआ है, माधुर्य गुण का हुआ है ना, ये सारी की सारी बातें अपन करने वाले। कौन सी रीति का प्रयोग हुआ है, वैदर्भ रीति का प्रयोग हुआ है, या गौड़ी रीति का प्रयोग हुआ है, पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है, लाठी रीति का प्रयोग हुआ है, कहाँ से। अच्छा एक बात आज से याद रख लेना, पांचाल प्रदेश के पांचाली रीति, विदर्भ देश की वैदर्भी रीति है ना, गौड़ देश की गौड़ी रीति, लाट क्षेत्र गुजरात वाले के लाठी रीति। ये क्षेत्र में वह क्षेत्र जहाँ पे काव्य रचनाओं का एक विशिष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ था वहाँ से उनकी रीति का प्रयोग किया गया। जैसे अपनी संस्कृति होगी ना, राजस्थान के कपड़े पगड़ी साफा लुंगी धोती वगैरह जब पहन के जब बाहर जाते हैं, बरंडी जब पहन के बाहर जाते हैं, तो देखते ही समझ जाता है ये कोई मारवाड़ी है, कोई राजस्थानी। एक रीति, एक संस्कृति, एक पहनावा, एक तरीका है। ठीक ऐसे ही पहनावा तरीका एक काव्य में शब्दों के माध्यम से किया जाता है, उसी का नाम रीति है मित्रों। उसको इजी भाषा में समझोगे ना, अपने आप से संबंध रख के उसको समझोगे ना काव्य को, बहुत अच्छी तरीके से समझने आने वाला है, समझोगे उसको। आगे बात करते हैं, वह भाग में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण, काल विभाजन। ये थोड़ा सा लेंदी है,
इसमें दिक्कतें आएंगी। दिक्कत इजी है, हिंदी साहित्य में उसका काल विभाजन बहुत इजी है, किसने कौन से काल का क्या नाम दिया, मेरी किताब है उसमें मैंने किस काल को किस नाम से पुकारा है, बाकी के आचार्यों ने किस नाम से पुकारा, ये सारी की सारी बातें अपन करने वाले हैं। कौन सा काल क्रम दिया, 1000 ईस्वी दिया, 692 दिया है, 1050 दिया है, 1010 दिया है, क्या दिया क्या नहीं दिया, वो कब तक माना, 19वीं तक माना, 18वीं तक माना है, 13वीं तक माना, सारी की सारी बातें अपन यहाँ पे करने वाले। तो ये अपन आप ये सिलेबस की परिचर्चा कर रहे हैं, सिलेबस में चर्चा करने वाले हैं और कर रहे हैं, तो इसको समझने की कोशिश करना मित्रों। हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण सबसे बड़ी जो दिक्कत आई वो नामकरण में आई और काल विभाजन में आई, लेकिन आज भी जो संपूर्ण रूप से जो सर्वमान्य है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है वही माने। आप लोगों को इसमें सफलता लेने के लिए किस काव्य को पढ़ना है, कौन सी किताब पढ़नी है, कौन से साहित्य के इतिहास की किताबें पढ़नी है, वो आज से ही ध्यान रखना शुरू करें। हिंदी में जो काव्य शास्त्र जो है, काव्य शास्त्र के मेरे नोट्स ले लेना, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। मेरी जो किताब आती है एग्जाम रिव्यू सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के लिए, 60% क्वेश्चन की गारंटी देता हूँ, आएंगे ही आएंगे, आ रहे हैं, पिछला एग्जाम या उससे पिछला एग्जाम में 60 से 65 क्वेश्चन उस किताब में से आते हैं, 120 पन्ने की किताब पे प्रश्न की किताब है, उसमें से आएंगे ही आएंगे, क्लियर है ना। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है हिंदी साहित्य के इतिहास, अगर आप आज से ही तैयारी करना चाहते हो और आपको लग रहा है 7-8 महीने बाद एग्जाम होने वाला, तो आज से ही टेक्स्ट बुक को पढ़ना शुरू करें, पुस्तकों को पढ़ना शुरू करें। उसमें 3 किताबें अवश्य खरीद लें, एक तो डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास, एक है आलोचनात्मक इतिहास, वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आता है हिंदी साहित्य के तहत। इन 3 किताबों को बहुत गहनता से पढ़ने की कोशिश करना मित्रों, सिलेक्शन श्योर है, बाकी का मैटर मैं दूंगा, तरीके से पढ़ेंगे, तरीके से तैयारी करेंगे, है ना। यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल है, काव्य धाराएं, आदिकाल में कौन कौन सी काव्य धाराएं है, प्रवृत्तियां है, प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, ये जो रचनाएं और रचनाकार है ना, इसमें से भी आपके 12-13 प्रश्न पूछे जाते रहे, इसमें थोड़ा सा आपको रट्टा फिक्सेशन करने की आवश्यकता, पारायण दोहराओ, इन चीजों को आपको बार बार रटना है, दोहराना है ना। लेकिन मैंने इनको भी एक तरीके से एक सूत्र में बांध रखा, एक अलग तरीके से, वो ट्रिक वगैरह सूत्र में नहीं बांध रखा, एक अलग तरीके से, एक कवि के रचना उसका नामकरण उसकी विशेषता उस तरीके से बांध रखा है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अपन बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके बाद जो आधुनिक काल में से आप लोगों को पता है क्या पढ़ना है, आप लोगों को रासो काव्य याद रखना, रासो काव्य सर्वाधिक पूछे जाते हैं, जैन काव्य हो गया उसमें सर्वाधिक पूछे जाते हैं, अब ब्रज काव्य प्राकृत भाषा में जो रचनाएं हुई उसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। भक्ति काल में आप लोगों को पता संत काव्य पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा, और जो रीति काव्य, रीति काल के जो कवि है, कवि बोधा को विशेष ध्यान रखना आपकी बार, है ना, कवि बोधा को विशेष ध्यान रखना, उसके बारे में अवश्य पूछा जाएगा। तो रीति काल के काव्य धाराएं, प्रवृत्तियों, जो प्रमुख रचना है वो सारे की सारी मैं आप लोगों को, छोटी सी है, पढ़ने में बहुत बड़ी लगती है, लेकिन कहाँ से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे पढ़ने वाले। और आधुनिक काल ये बहुत बड़ा, ये आज तक चला आ रहा है ना, इसी 2022 का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, कौन कौन सी भाषा में दिया गया, सारे के सारे प्रश्न इसी में से आएंगे, वो अन्य भाषाओं में दिए गए थे लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पूछा ही जाएगा। लेकिन अब तक की जो रचनाएं होगी, जो कि प्रमुख प्रमुख रचनाएं है, वो सारे सारे आधुनिक काल तक जोड़ी गई है, ठीक है मित्रों। तो एक प्रश्न उठा था कि, और वो किताब मेरी किताब जो है उसमें मैंने इस प्रश्न को उठाया था कि आधुनिक काल आखिर कब तक, कोई तो सीमा होगी या अब तक ही पढ़ा जाएगा, है ना। तो आधुनिक काल आखिर कब तक माना जाए, इस बारे में भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे भारतेंदु युग होगा, द्विवेदी युग होगा, छायावाद होगा, प्रगतिवाद होगा, नई कविता होगी, सारे की सारी अपन बातें करने वाले मित्रों, ठीक है ना। तो इन सभी में अपन ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। इसके बाद देखिए इसके बाद आधुनिक काल गद्य का विकास, कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध संस्मरण। इसमें देखिए आप लोगों को 2 चीजें हमेशा याद रखनी है,
कि आप लोगों को सबसे ज्यादा किस पे ध्यान देना, भारतेंदु युग जो युग है, भारतेंदु युग है, इस युग में गद्य का विकास कार्य प्रारंभ हुआ था। और सबसे पहले आप लोगों की जो पाठ्य पुस्तकें थी उन पुस्तकों का गद्य, क्योंकि अंग्रेज काल था, अंग्रेजी का काल था, अंग्रेजों का राज था यहाँ पे उस वक्त। पाठ्य पुस्तक जो 11 12 तक के जो विद्यालय के जो या कॉलेज के जो पाठ्य पुस्तकें थे वो सारे सारे अंग्रेजी भाषा में हुआ करती थी, हिंदी भाषा को, संस्कृत भाषा को छोड़कर। तो वहाँ पे इन लोगों ने ही भारतेंदु युग में ही सबसे पहले पाठ्य पुस्तकों को हिंदी गद्य भाषा में लिखना प्रारंभ लिख कर प्रस्तुत किया गया था, या ये कह के स्कूल के विद्यालय की जो किताबें थी वो सारी सारी भारतेंदु युग में ही गद्य रूप में परिवर्तित हुई थी। और मूल रूप से गद्य का विकास क्रम यहीं से ही बहुत अच्छी तरीके से बढ़ के सामने आया है। द्विदी युग जो है, आप लोगों को छायावाद युग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस छायावाद में भी पंत और माधव वर्मा की रचनाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखना इस बार। और प्रगतिवाद है, नई कविताएं हैं, इसमें आगे से संबंधित प्रश्न आप लोगों के अवश्य पूछे जाएंगे, क्लियर है मित्रों। इसके बाद आधुनिक काल है, जो गद्य का विकास है, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण, इसमें आप लोगों से कुछ कहानियां हैं। जैसे एक कहानी उपन्यास है, नाटक है, तो इनमें सबसे ज्यादा उपन्यासों के नाम पूछे जाएंगे, उसका रचना काल भी पूछा जा सकता है, या कौन सी रचना किस कवि की है, किस लेखक है, इसके बारे में पूछा जाएगा। कथन सत्य और कथन असत्य के बारे में भी इनसे पूछा जा सकता है, या फिर मिलान वाले प्रश्न इससे में से पूछ जाएंगे। इसके बाद आता है हिंदी भाषा का उद्भव विकास, हिंदी एवं उसकी बोलियों का सामान्य परिचय। देखिए सीधी सी बात है, इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों ने अगर ये समझा कि हिंदी भाषा किस अपभ्रंश से निकल के आई है। आप लोगों ने पढ़ा संस्कृत है, संस्कृत 1500 ईसा पूर्व थी, आर्यों के भाषा, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, ये सब जानते हैं ना। तो उन लोगों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, संस्कृत के दो रूप प्राप्त होते थे वहाँ पे, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 या 800 ईसा पूर्व तक आता था, एक वैदिक संस्कृत और एक आती थी लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेद और उपनिषदों की रचना हुई थी, लौकिक संस्कृत में रामायण की, महाभारत की, पुराणों की रचना या काव्य ग्रंथों की रचना हुई थी, अन्य ग्रंथों के नाटक वगैरह की रचना हुई थी। आप लोग यदि कालिदास की रचनाओं को पढ़ेंगे तो उसमें दो प्रकार के भूमिकाएं मिलेगी, दो प्रकार के पात्र मिलेंगे उनके नाटकों में, एक तो वो पात्र जो शुद्ध संस्कृत बोलता है और एक वो पात्र जो अशुद्ध संस्कृत बोलता है। जो अशुद्ध बोलता है वो ग्रामीण है, और जो शुद्ध बोलता है वो राजनयिक है, राज्य के आसपास रहने वाला व्यक्ति है, या पात्र है, या राजा है, या उसका पुत्र है, पुत्री कोई भी हो सकता है, या राजकवि हो सकता है, गुरुकुल के विद्यार्थी, गुरुकुल का आचार्य, शास्त्री हो सकता है। तो उन दोनों की संस्कृत में अलग है, ठीक इसी प्रकार मैं हिंदी बोल रहा हूँ ना, गांव में अगर जाएंगे तो वहाँ पे बोली बोली जाती है, लेकिन अपन समझते तो है वो हिंदी भाषा की उपबोली के रूप में ही आती है, भाषा से निकली हुई बोली है। तो ऐसा ही रूप संस्कृत का भी था, जैसे अपनी बोली और भाषा में अंतर होता है, ठीक वैसे संस्कृत का वैदिक और लौकिक संस्कृत में अंतर होता था। उसके बाद आती है आप लोगों की पाली भाषा, पाली के बाद आती है आप लोगों की प्राकृत भाषा, प्राकृत के बाद आते हैं आप लोगों के अपभ्रंश। मूल रूप से 6 अपभ्रंश हुआ है, जिनमें से 5 अपभ्रंशों को माना गया है। एक तो होता है आपका शोरसेनी अपभ्रंश होता है, एक महाराष्ट्रीय अपभ्रंश होता है, एक पैसाची अपभ्रंश होता है, ठीक है। पैसाची में 2 भाषाएं निकल कर, एक लहंदा और एक पंजाबी, क्लियर है। और इसके बाद आता है मागधी और अर्धमागधी, ठीक है। इन अपभ्रंशों से अपनी बाकी की हिंदी के परिवार की भाषाओं का निर्माण हुआ है, या भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास अपन इस तरीके से पढ़ने वाले हैं, एक ग्राफी विधि के आधार पर इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो इसके बाद आता है कबीर ग्रंथावली, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आज से ही अपनी किताब उठा लीजिए। अगर आप लोगों ने बीए किया है ना, बीए किया है या शास्त्री किया है, और उसमें आप लोगों ने हिंदी साहित्य के इतिहास लिया है, हिंदी साहित्य लिटरेचर लिया है, और उसमें यदि आप लोगों ने जो राजा वनवीक सीरीज वगैरह आती है उनको न पढ़कर यदि पतली पतली किताबें आती है मध्यकाल के, आधुनिक काल के, उन किताबों को यदि आप लोगों ने सिलेबस के आधार पर पढ़ा है ना, तो आप लोगों के पास वो किताबें होंगी, उसमें से इनको पढ़ना शुरू करें, एक एक साखी को पढ़ना शुरू करें,
कबीर की ग्रंथावली है, साखी है, प्रथम पांच अंग है और इसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो गुरु को अंग है, उसमें से प्रश्न पूछेंगे मित्रों। और प्रथम 10 पद है, श्याम सुंदर दास द्वारा इसको संकलित किया गया है। तुलसीदास जो है उसका है रामचरितमानस में बालकांड है, रामायण में या बाल रामचरितमानस में सबसे बाद में जोड़ा गया काल था वो कांड था, वो बालकांड था। इसके बाद है सूरदास का भ्रमर गीत सार, भ्रमर गीत जो है कई कवियों के द्वारा लिखा गया है, कई संतों के द्वारा रचा गया है, इसमें से भी जो सबसे प्रसिद्ध है और जो सबसे प्रिय है वो है भ्रमर गीत सार सूरदास का, है ना। उदो तुम तो अति बड़ भागी, है ना, सुना है ना, वही है। इसके बाद इसके प्रथम 20 पद मिलेंगे, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इसको संपादित या संकलित किया गया है। मीराबाई की जो पदावली है इसके भी प्रथम 20 पद है, ये परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा है। इसके बाद है बिहारी रत्नाकर, ये रत्नाकर के द्वारा जो बिहारी सत्सई है उसके 20 दोहे हैं, ना, तो थोड़ा से इसको ध्यान रखना। ये कवि रत्नाकर के द्वारा बिहारी की जो सत्सई है उसके बारे में है, 20 प्रथम दोहे हैं। इसके बाद देखिए सूर्य, हम इन सारे कवि और संतों की पूरी परिचर्चा करेंगे, इनकी पूरी जीवनी पर कहाँ से प्रश्न उठ के आ सकता है और कौन कौन से प्रश्न हो सकते हैं, सभी पे अपन चर्चा करने वाले हैं। सूर्यमल मिशन, इसकी भाषा थोड़ी सी क्लिष्ट है इनकी, और इसमें वीर सत्सई के भी प्रथम 20 दोहे हैं। इसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, इसका प्रथम सर्ग है। फिर आता है जयशंकर प्रसाद का कामानिक में श्रद्धा सर्ग है, केवल एक ही श्रद्धा सर्ग है, पहले दो सर्ग हुआ करते थे, अब एक ही श्रद्धा सर्ग रख दिया। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उसका चिंतामणि में भाग एक केवल उत्साह श्रद्धा और भक्ति लोभ प्रीति, इन्हीं में से पूछा जाएगा। ये निबंध है मित्रों, कौन कौन से उत्साह श्रद्धा भक्ति, एक तो है उत्साह के नाम से है, फिर श्रद्धा और भक्ति के नाम से है, फिर लोभ और प्रीति के नाम से, ये जो तीन निबंध है इन्हीं में से साहित्यिक निबंध है, लिटरेटिव निबंध है, साहित्यिक शब्दों का प्रयोग यहाँ पे किया गया था, थोड़ा सा क्लिष्टता महसूस होगी लेकिन अपन इसको सरल करने वाले हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में भी आज से ही अध्ययन करना शुरू करें। फिर मोहन राकेश, मेरा सबसे अच्छा उपन्यासकार है ये, मोहन राकेश में लहरों के राजहंस है, ये आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, 12th क्लास में हुआ करता था पहले। यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, ये कई बार पूछा गया है, कहानियां है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरिया, अपने जयपुर के ही है भाई, जयपुर का ही भाई है ना, तो जयपुर वाले ने ही लिखा। ये कई सालों से अपने हिंदी भाषा सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या कॉलेज लेक्चर में ये पूछा गया है और चला आ रहा है, अब भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा लंबे समय तक, उसने कहा था, बहुत ही अच्छी कहानी है मित्रों, ठीक है ना। इसको सुनने के बाद, इसको पढ़ने के बाद तो कुछ एक अलग ही ख्याल उत्पन्न होता है ना, प्रेम वाला ख्याल उत्पन्न होता है, पढ़ने भी मजा आएंगे। एक पहले एक और आती थी जहाँ लक्ष्मी कैद है, वो अब नहीं है तो उसको हटा दीजिए। फिर ये देखिए प्रेमचंद जी की पूछ की रात, बहुत अच्छी कहानी है, पटाक्षेप नहीं होगा, हेतु भारद्वाज का है, उजाले के मुसाहिब विजयदान देथा बीजी के नाम से प्रसिद्ध इनकी कहानी पर पहली के ऊपर एक फिल्म, शाहरुख खान की फिल्म भी बनी थी, है ना, तो ये वही है विजयदान देथा, क्लियर है मित्रों। इसके बाद आता है गय में हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विद्या, इसमें थोड़ा सा हम कमजोर है, इसमें आप लोगों को जितना हो सकता उतना सरल करने की कोशिश करेंगे क्योंकि साहित्य से संबंधित है, लेकिन फिर भी मैं इसको उसी लय में पढ़ाता हूँ जो आप लोग बिल्कुल सरल तरीके से, जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं उसी तरीके से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, पहले बहुत सारी विधियाँ थी, 25-25 विधियाँ थी, उन सबको हटा दिया गया, बहुत ईजी कर दिया गया है मित्रों। हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ है, भाषाई कौशलों के विकास हेतु निम्नांत पक्षों के स्वरूप शिक्षण श्रवण उच्चारण वर्तनी वाचन, ये सब आप लोग पढ़ते आ रहे छठी क्लास से, है ना। सहस्त्र बीएड किया था ना, बीएड करते समय इनको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा, बीएड में अगर इनको तरीके से पढ़ा है ना तो आप लोग बिल्कुल समझ जाओगे इसको, है ना। फिर है अभिव्यक्ति लिखित एवं मौखिक, सभी को पता, देखिए लिखित भाषा की तीन परिभाषाएं की जाती है, भाषा को तीन रूपों में बोला गया है,
एक तो होता है सांकेतिक, एक होता मौखिक और एक होता लिखित। सबसे पहले सांकेतिक भाषा में, आप लोग कहीं पे चले जाए पूरे विश्व में, ना हिला दे का मतलब ना, हाँ का मतलब हाँ, इसका मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है ना, ऐसे किया मतलब कुछ गड़बड़ है, हाँ आ रहा हूं, ना मना कर दिया, चले। मतलब ये जो इशारे हैं ना, ये सारे के सारे सांकेतिक भाषा में। आप ट्रैफिक पुलिस वाले को देखो या संकेतों को देखो, दिशा विहीन जो संकेत होते हैं ना, दिशाओं को बताने वाले, वो भी सांकेतिक भाषा के रूप में जाने गए हैं। और मौखिक रूप से एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत सारे शब्दों का उच्चारण करता जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन वो जानता। एक बच्चा है, बच्चे को क्या करेंगे, बच्चे को बोलेगा बेटा, छोटा एक डेढ़ साल का बच्चा है, उसको बोलेगा बेटा पेन देना, वो बार बार बोलोगे उसके समझ में नहीं आएगा, जब तक उसके सामने बोलोगे बेटा ये पेन है, ये मांग रहा हूँ, अब वो जिद करेगा आप वहाँ पे रखो इसको, वापस मैं दूंगा, तब उसको वो आपको देगा कि पेन। वो बोलता भी नहीं बोलता, लेकिन उसको समझ गया कि वो पेन है, मौखिक रूप में ही आ रहा है वो अभी, ठीक है ना। इसके बाद आप उसको आधी रात 12 बजे खड़ा करके बोलोगे बेटा पेन देना, वो जहाँ पे रखा होता ना वहीं पे जाएगा, मिला तो ठीक है, नहीं मिला ऐसे करेगा, ठीक है। तो ये जो एक मौखिक और सांकेतिक रूप है, वो बचपन में भी होता है और गूंगे भैरों का भी होता है। गूंगे भैरों की भाषा होती है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, अंग्रेजी भाषा होती है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर सॉरी एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये संकेत के रूप में होती है, गूंगे बहरों की भाषा होती है, वो पढ़ते हैं संकेत के रूप में, आप लोगों को समझाते हैं, मुझे आते हैं अंग्रेजी में, मैंने बोला आप लोगों को एबीसीडी बोला ना, एक सांकेतिक रूप है, इसको लिखित रूप में बोला जाता है, ये मैंने लिख के बता दिया है, वैसे नहीं लिखा लेकिन इस तरीके से लिख के इसको बताते। तो भाषा के तीन रूप होते हैं, एक तो सांकेतिक होता है, एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है, ठीक है मित्रों। इसमें आता है हिंदी की विभिन्न विधाओं का शिक्षण विधियों पाठ योजना का निर्माण इकाई व दैनिक कार्य, ठीक है, यह आप लोगों ने किया है। शिक्षण पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, रचना शिक्षण, कहानी शिक्षण, नाटक शिक्षण, बहुत ही जो आप लोग आगे कहानी के बारे में, व्याकरण के बारे में पढ़ने वाले हो, नाटक के बारे में पढ़ने वाले हो, उन्हीं के बारे में, जो उनका जो मूल तत्व है उन्हीं के बारे में यहाँ पे प्रश्न पूछा जाएगा। और भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण व उपचारात्मक शिक्षण, भाषा शिक्षण में सहायक सामग्री का उपयोग, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन सतत एवं समग्र मूल्यांकन, पाठांतर्गत व पाठोपरांत मूल्यांकन, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने बी एड या शिक्षा शास्त्री करते समय पढ़ी है मित्रों, तो आप लोग बिल्कुल इसको सही तरीके से समझेंगे। यहाँ तक अपना हिंदी साहित्य का या सेकंड ग्रेड का जो हिंदी है उसका सिलेबस था। आगे अपन एक एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं, करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो का, इस जुड़े रहिए। अगर आप लोगों को सफल होना ना और एक सही प्लेटफॉर्म का चयन करना है, तो सही प्लेटफॉर्म मित्रों यही है, आपको सफलता दिलाएगा, ये गारंटी है मेरी। मैं जैसा पढ़ाऊँ वैसा पढ़ते रहना, इसके बाद आप लोग देख लीजिए इसमें आप लोगों से किस तरीके से पूछा जाने वाला है, कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ढाई घंटे का पेपर होगा, 2 hours 30 minutes का होगा, ठीक है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल चॉइस, अर्थात वस्तुनिष्ठ आधार पे 150 प्रश्नों को पूछा जाएगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल इन द इवोल्यूशन ऑफ आंसर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑन द मार्क्स प्रेसकेबल, क्या लिखा भाई अंग्रेजी में है ना थोड़ा, फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन शैल बी डिडक्टेड, अर्थात 1/3 का नियम होगा, एक प्रति क्वेश्चन के आधार पर, गलत प्रश्न के आधार पर रॉन्ग आंसर, ठीक है ना। पेपर शैल बी इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट, क्लियर है यहाँ पे, मतलब कि 9 से 12 तक के स्टैंडर्ड के आधार पर ही आपका प्रश्न पूछा जाएगा। ये बात यह याद रखना, हर एग्जाम कोई भी एग्जाम दे रहे हो, किसी भी इकाई का एग्जाम दे रहे हो ना, चाहे फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड हो, पटवारी हो, एसआई हो, उसका सिलेबस, उसकी जो विज्ञप्ति, उसको ध्यान रखना, उसमें जो आपका स्टैंडर्ड पूछा, लेवल पूछा है ना, कि आपको किस लेवल का प्रश्न पूछा जाएगा, तो उसी लेवल के ऊपर आप तैयारी करने की कोशिश करें। तो इसमें लेवल आप लोगों को बता दिया, क्लियर है मित्रों। तो यहीं तक था अपना आज का
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में अपन अपने एक विशेष टॉपिक के साथ जुड़ेंगे, या तो साहित्य के इतिहास हो सकता है, या काव्य शास्त्र हो सकता है, या फिर व्याकरण हो सकता है। और मेरी मान्यता है कि मैं अपनी हिंदी भाषा के विकास क्रम के आधार पर अपन हिंदी साहित्य के इतिहास प्रारंभ करूँ, तो इसके लिए आप रेडी रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।